हेलो दोस्त, मेरा नाम गणेश कुमार है। आप गणेश टिप चैनल देख रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका राशन कार्ड बंद है या चालू है, कैसे चेक कर सकते हो, और इसके साथ में आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है उसके नाम पे कितने चावल और कितने गेहूँ आया हुआ है, कितने रुपये देने होंगे, ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में मैं कवर करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च हुआ है, आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मेरा, ठीक है। जैसे आप मेरा राशन आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा राशन और नंबर वन नेशन राशन कार्ड, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड करके पहले से रखा हूँ और मैं इसको लंबे टाइम से यूज भी करता हूँ। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे उसको ओपन करके छोड़ दीजिएगा, ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, एलिजिबिलिटी कैटेगरी जो है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का आपको यहाँ पे टैब करना है। आप दो तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहला आपका राशन नंबर और दूसरा आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी डाल कर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नया राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड नंबर अगर आपको मिल गया होगा तो आप राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर भी डाल सकते हो। जिसका आधार कार्ड यहाँ पे लिंक होगा, अपने परिवार में से किसी एक सदस्य का नाम डालोगे आप तो सारा का आ जाएगा और आपको यहाँ पे राशन नंबर भी शो कर देगा। तो चलिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, मैं सिंपल सा इसको सबमिट करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे राशन नंबर आ गया और FPS जो ID होता है जिसके यहाँ से हम लोग लाने के लिए जाते हैं राशन, ये दुकानदार की ID होती है। और एक चीज़ होगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपका राशन कार्ड बन गया हुआ होगा तो आपको IMPDS एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको यहाँ पे ऐसे शो कर देगा। अगर आपका राशन कार्ड यानी अगर आपका राशन कार्ड बंद हो चुका है तो आप यहाँ पे जो अलाउड इन IMPDS जो यहाँ पे दिख रहा है नो रहेगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पे नो है तो समझिएगा कि आपका राशन कार्ड बंद है। और यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है तो यानी कि आपका राशन नंबर जो है यहाँ पर चालू है, इस पर अनाज भी आना स्टार्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अगर नया राशन कार्ड रहेगा तो यहाँ पे एस रहेगा और यहाँ पे नो रहेगा, तो जब तक यहाँ पे नो है तब तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पे एस आ जाता है लिखा हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे डीलर के पास जा करके अपना राशन ले सकते हो। अगर आपके पे राशन कितना है वो चीज़ चेक करने के लिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, सिंपल सा मैं इसको बैक आ जाता हूँ और आपको होम पेज पर आ जाना है और ये वाला जो है ऑप्शन इस पर आपको यहाँ पे टैप करना है। सेम आपको यहाँ पे राशन नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए, मैं करके यहाँ पे सबमिट भी करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे राशन नंबर डाल करके मैं सिंपल सा इसको सबमिट करूँगा तो आपके नीचे यहाँ पे शो कर देगा, सबका अलग अलग रहेगा, जितने भी परिवार के सदस्य का नाम होगा वो सारा इस लिस्ट में आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क अब यहाँ पर आ ही गया। आप यहाँ पर देख पाइएगा कि इनका जो राशन नंबर है ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये ईयर जो यहाँ पे 2023 दिख रहा है, यानी कि जो मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ वो दिख रहा है। और इनका जो है ये जो चावल है, चावल यहाँ पे 4 kg मिलेगा और राइस जो है यहाँ पे जो गेहूँ आपको 4 kg है और जो चावल यहाँ पे 16 kg दिख रहा है। आपको यहाँ पे गेहूँ का रेट भी 2 रुपये और चावल का रेट भी 3 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे आया हुआ है ये हमेशा के लिए रेट है। लेकिन जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, आपको 1 रुपये डीलर को देने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ पे राशन जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इतना राशन आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, यहाँ पर मैं 4 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे, यानी 3 PM पे वीडियो बना रहा हूँ और आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पर टाइम हमेशा यहाँ पर शो करता रहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों का साथ भी शेयर कर दीजिए। चल दोस्त, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय।